नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट से एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गुलाबी सुंडी के अटैक से खराब हुई कपास की फसल, मुआवजे के लिए 1 अक्टूबर से खोले जाएंगे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हुआ निधन, 98 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। लखनऊ में जल्द आयोजित होगा सिल्क एक्सपो, 1 जिला 1 उत्पाद को दिया जाएगा बढ़ावा। टमाटर की खेती करके बर्बाद हुए किसान, सिर्फ 2 से 4 रुपए प्रति किलो मिल रहा है दाम। हरियाणा सरकार ने तय किया गन्ने की पिराई का लक्ष्य, गन्ना किसानों के लिए किए खास इंतजाम। इस साल हरियाणा में किसानों को पहले बाढ़ और अतिवृष्टि के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो इसके बाद फसलों पर गुलाबी सुंडी के हमले ने रही बची कसर पूरी कर ली। ऐसे में किसान काफी चिंता में हैं कि आखिर उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा उन्हें कब मिलेगा। जिसको देखते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर कपास की फसल को हुए नुकसान की समीक्षा की और अधिकारियों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 1 अक्टूबर से खोलने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान अपनी कपास की फसल में हुए नुकसान का ब्यौरा इस पोर्टल पर दर्ज करा सके। आपको बता दें कि सरकार ने बिना ब्यौरा दर्ज किए हुए किसानों को मुआवजा ना देने का भी प्रावधान किया है। इसीलिए ऐसे किसान जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है, तो वो ध्यान रखें कि ब्यौरा भरने के बाद पहले पटवारी उसका वेरिफिकेशन करेगा, जिसके बाद ही उन्हें इसके एवज में मुआवजे की राशि मिल सकेगी। गौरतलब है कि कृषि मंत्री द्वारा विभाग के अधिकारियों को कपास के नुकसान आकलन की रिपोर्ट सरकार को भी पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक व प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का आज यानी कि गुरुवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में अपनी आखिरी सांस ली। 7 अगस्त 1925 को जन्मे डॉक्टर स्वामीनाथन आज दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि स्वामीनाथन की गिनती भारत के महान कृषि वैज्ञानिकों के तौर पर होती है, जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया जिसने भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा धान पैदा करने के काबिल बनाया। गौरतलब है कि स्वामीनाथन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1972 से लेकर 1979 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका था। इस साल नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश रेशम विभाग के द्वारा लखनऊ में एक सिल्क एक्सपो का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें संयुक्त रूप से खादी, हथकरघा और 1 जिला 1 उत्पाद की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बीते दिन खादी भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान एक्सपो को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही उन्हें तैयारियां शुरू करने के लिए भी खास निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जनपद एवं मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का शुभारंभ वहां के प्रतिनिधियों से कराया जाए। वहीं स्थानीय स्तर पर कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका दिया जाए, जिससे उन्हें एक स्थान पर बड़ा बाजार मिल सके और उनके उत्पादों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो। आपको बता दें कि निफ्ट से प्रशिक्षित खादी के कामगारों द्वारा तैयार किए गए खादी वस्त्रों के प्रदर्शन के लिए सिल्क एक्सपो में फैशन शो का भी आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें ख्याति प्राप्त मॉडल एवं डिजाइनर को भी आमंत्रित करने की योजना है। इस समय टमाटर की कीमतें अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसके चलते टमाटर के किसानों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
खासतौर पर महाराष्ट्र के टमाटर उत्पादक किसान कीमतें गिरने से काफी नुकसान उठाने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल राज्य की कई मंडियों में टमाटर के दाम इस समय 2 से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों का कहना है कि इतने में तो टमाटर को खेतों से मंडियों तक ले जाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर ज्यादातर किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाने से बेहतर खेतों में ही बर्बाद कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई एक घटना के मुताबिक नासिक जिले के पिंपल गांव तालुका के रहने वाले एक किसान ने अपने 2 एकड़ खेत में टमाटर की फसल लगाई थी, लेकिन जब टमाटर पककर तैयार हो गए तो मंडी में उसे केवल 2 से 3 रुपए प्रति किलो ही भाव मिला, जबकि किसान को खेती के सारे काम मिलाकर कुल 3 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। वहीं कई किसान अब सरकार से टमाटर पर सब्सिडी देने की भी मांग कर रहे हैं। हरियाणा में गन्ना उत्पादकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में नवंबर के पहले सप्ताह से गन्ने की पेराई का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष 424 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई और 10% रिकवरी रेट का लक्ष्य तय किया गया है। जरूरी बात यह है कि इस साल मिलों में पेराई के लिए अपना गन्ना लेकर आने वाले किसानों की सुविधा के लिए पहले ही उनके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जाएगा, जिसमें किसानों को गन्ना लेकर किस दिन और किस समय आना है इस बात की जानकारी होगी। ऐसे में ना तो उन्हें लाइन में लगना होगा और ना ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा मिलों में गन्ना लेकर आने वाले किसानों को केवल 10 रुपए में सस्ती दर पर पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त आहार मुहैया करवाया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा की देश के कुल गन्ना उत्पादन में केवल 2% की हिस्सेदारी है, जबकि यहां पर गन्ने का FRP किसानों को 372 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।